अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टीम मोमोज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मोमोज बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, पर मैं आज आपके साथ बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मोमोज की रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मोमोज बनाने के लिए हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसमें हम सबसे पहले मोमोज के लिए डो तैयार कर लेंगे। तो मोमोज का डो बनाने के लिए मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ 1 कप। हम आधा कप मैदा और लेंगे, यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा दिया है और हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑयल और उसमें मैं 1/2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं आपको बताती हूँ आपको कितना ऑयल इसमें डालना है, आपको कैसे पता चलेगा। ये देख, हमारा जो मैदा है वो इस तरीके से बन गया है, यानी कि हमने जो इसमें ऑयल डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट डला हुआ है। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप थोड़ा सा भी ऐड करके इसमें इस तरह से चेक कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी लिया है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका टाइट डो बना लेंगे। हमें इसका इतना ही टाइट डो बनाना है जैसे हम पूरियों का बनाते हैं। लीजिए, ये जो हमारा मोमोस है उसका डो अच्छे से तैयार हो गया है। हमने इसको खूब अच्छे से मसल मसल के गूंद लिया है। देखिए हमने इसका कितना टाइट जो है डो गूना है, जैसे कि हमारी पूरियों का है। बस हम इसे कवर करके रख देंगे ढककर और हमारे स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। मोमोस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल लिया है। हम गैस को ऑन कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे सेट कर लेंगे। ऑयल अच्छे से हमारा गरम हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा अदरक मैंने इस तरह से किस लिया था, हम वो ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे मोमोस की स्टफिंग में, तो आप इसी से ही बघारने की कोशिश करें। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप जीरे से या लहसुन से भी बघार सकते हैं। तो हम इसे अच्छा से हल्का सा फ्राई कर लेते हैं 1-2 सेकंड। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरीके से कट कर लिया। हम सबसे पहले उसे ऐड कर लेंगे, आप उसे भी अच्छे से हल्का फ्राई कर लेंगे। हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है सब्जियों को, बस हल्का सा उसका कच्चापन चला जाए, हमें इतना ही फ्राई करना है और गैस को हमें मीडियम पे ही रखना है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगी शिमला मिर्च, मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने गाजर लिए, गाजर को भी मैंने इतना बारीक कट कर लिया। आप चाहे तो थोड़े मोटे पीसेस में भी इसको ऐड कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी मैंने इस तरीके से बारीक किस लिया था, हम इसे भी ऐड कर लेंगे। हमने सारी सब्जियों को बारीक इसलिए किस लिया है क्योंकि इससे स्टफिंग करने में बहुत आसानी रहती है, हमारे मोमोज फटेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे से इसकी स्टफिंग हो जाएगी। तो हम इसे हल्का सा पका लेंगे। हमें इसे 30 सेकंड ही कुक करना है, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। बस सब्जियों का कच्चापन हल्का सा खत्म हो जाए, हमें बस इतना ही इसको कुक करना है। और यहाँ पे मैंने कैरी ली है, कैरी को भी मैंने इतना बारीक कट कर लिया है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपको खट्टा पसंद हो तो आप ऐड करें और अगर आपको खट्टा पसंद ना हो तो आप ऐड ना करें। इससे हमारे जो मोमोज की स्टफिंग है उसमें हल्का सा खट्टापन आ जाएगा, वो टेस्ट में अच्छी लगेंगी। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच सोया सॉस लिया है। सोया सॉस हमें कम ही ऐड करना है। ये 1/2 चम्मच व्हाइट विनेगर है, हम इसे भी 1/2 चम्मच ऐड करेंगे। और ये टोमेटो सॉस, हम इसे भी 1/2 चम्मच ऐड करेंगे। हमें सॉस इसलिए कम ऐड, हमारी जो स्टफिंग है वो गीली हो जाएगी और फिर हमारे जो मोमोज हैं वो अच्छे से पैक भी नहीं हो पाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो हम 2-3 सेकंड के लिए गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं, जो हमारी सब्जियों की नमी है वो थोड़ी सी सूख जाए। अब मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच मैगी मसाला दे रही हूँ, हम इसे भी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमारे जो मोमोज की स्टफिंग है वो बनके तैयार हो गई है। अब हमारे गैस के फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और मैं इसमें सबसे लास्ट में अब नमक ऐड करूंगी। हमने लास्ट में नमक इसलिए ऐड किया है, अगर हम नमक पहले ऐड कर देते तो नमक जो है वो पानी छोड़ देता है और हमारी जो सब्जी है वो और गीली हो जाती। हमारे डो को 15 मिनट हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं इसे। देखिए ये कितना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, मैं आपको उठा के बताती हूँ। ये काफ़ी अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे। इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेनी है, बिल्कुल एक साइज़ में आप बना लीजिएगा। थोड़ी हल्की छोटी बड़ी हो जाए तो कोई बात नहीं। देखिए हमने सारी लोइयाँ इस तरीके से तोड़ ली हैं, हम इसका गोल गोल शेप में बना लेंगे और सबको इस तरीके से देखिए बना के रख लेते हैं। इस तरह से हमने सारी लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। देखिए एक ही साइज़ में हमने बनाई है, तो ताकि हमारी जो हम रोटी बेलें वो एक साइज़ की बेलें और हमारे मोमोज भी एक साइज़ के बन के तैयार हों। तो अब हम इसको बेल लेते हैं। हम इस तरह से एक लोई लेंगे और हमें इसे अब बेलना है। हमें इसे बिल्कुल पतला बेलना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। देखिए हमारे जो डो है वो कितना अच्छा परफेक्ट बनके तैयार हुआ है कि बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। हम इसको बेल रहे हैं, हमने इसमें बिल्कुल आटा भी नहीं लगाया है, बिना आटे के हमने इसे बेल दिया है। देखिए कितना पतला ये बेल के तैयार हो गया है, ट्रांसपेरेंट भी लग रहा है हल्का सा। तो हमने इसे पूरी की तरह बेल लिया है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनके तैयार हुआ है। देखिए और ये कितना पतला बेला है। हमने जो स्टफिंग तैयार करी थी, अब हम स्टफिंग थोड़ी सी लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में हमें रख देना है। यह हम थोड़ा सा पानी लेंगे, इस पानी को हम इस तरह से चारों तरफ लगा लेंगे। हमारे जो मोमोज की हमने तैयार करी थी पूरी टाइप की, तो हम इस तरह से इसको इस तरह से लगा लिया है, देखिए, ताकि चिपकाने में हमें आसानी हो। तो हम इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा हाथ पे उठा लेती हूँ, तो इस तरह से हम इसे पैक कर लेंगे। देखिए
इस तरह से हमने इसे पैक कर लिया है पूरा। यहाँ मैंने प्लेट में थोड़ा सा तेल लिया है, हम इस प्लेट में थोड़ा सा तेल फैला लेंगे और इस पे हम हमारे मोमोज बना के रखेंगे ताकि जो मोमोज है हमारे चिपकेंगे भी नहीं। और मैं आपको एक और बना के बताती हूँ। तो लीजिए हमारे सारे मोमोज बनके तैयार हो गए हैं अच्छे से, अब हम इन्हें स्टीम कर लेते हैं। मोमोज को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे इडली का साचा लिया है। साचा अगर आपके पास इडली का साचा ना हो तो आप कोई भगोनी वगैरह भी ले सकती हैं, उसमें आप पानी डाल के आपके पास चलनी हो तो इस तरह इस मुंह पे इस पे कवर हो जाए, यानी कि आपको बिल्कुल अंदर नहीं रखना है, इसके ऊपर चलनी रखनी है, फिर आप उसमें अपने मोमोज रख के उसे भी स्टीम कर सकती हैं। पर मैंने यहाँ पे इडली का साचा लिया है और ये जो इडली बनाने के रहते हैं हम इसको इस तरह से रख देंगे और इस तरीके से हम थोड़ा सा ऑयल लेके इस तरह से इस पर फैला लेंगे ताकि जो हमारे मोमोज हैं वो स्टीम होने के बाद इसमें चिपके नहीं। तो हमने यहाँ पे सारे खानों में ऑयल लगा लिया है, अब हम इस तरह से हमारे मोमोज को रख देंगे और गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे आप इसे स्टीम करें, कम से कम आपको 15 से 20 मिनट तक इसे स्टीम करना है। अब हम इसी तरीके से सारे मोमोज रख लेते हैं। लीजिए हमने हमारे सारे मोमोज को अच्छे से रख दिया है, अब हम इसे इस तरह से कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं हमारे मोमोज बनके तैयार हुए हैं कि नहीं। तो लीजिए जो हमारे मोमोज हैं बेहतरीन बनके तैयार हो गए हैं, देखिए कितने अच्छे ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं ये स्टीम होने के बाद, अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारे मोमोज बनके तैयार हो गए हैं और देखने में ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।